खुद वीराने में रहता है, दुनिया को सोने की लंका दे देता है। खुद वीराने में रह रहा है, शमशान में कैलाश पर भूतेश्वर बनकर भस्म रमाकर जटाजूट बहनकर रह रहा है। आज माली और सुमाली दोनों शिव का आराधना में लगे हुए थे, शिव की आराधना। और माली और सुमाली शंकर को जल चढ़ाते थे, स्मरण करते थे शंकर का। महाराज जब शिव को जल चढ़ाते थे तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे। अर्थात आप लोगों ने कई बार देखा होगा तब साधना वालों को, तब आराधना करने वालों को, और कई बार माताओं को अगर आपने देखा हो, स्त्रियों को अगर देखा हो, तो अगर ये तीज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, तो माताओं की एक आदत रहती है, ये मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर शिव पुराण में से ये अंश लिया है, मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर इस शिव पुराण का ये अंश ग्रहण करा है, माली और सुमाली की कथा में से ग्रहण करा है, ऐसा लगता है। क्या जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती, उसी देवी के सिर से लेकर, उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सुमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवाकर उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थे, प्रवृत्ति तो राक्षस की थी, और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते, और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते, और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगा, शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे, सूर्य का तेज, माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे, शिवलिंग, ये शिवलिंग, शिव महापुराण की कथा कहती है माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते, माली और सुमाली के चेहरे की रौनक था, चमकता इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि सूर्य उनको देखकर अपने मन में ईर्ष्या रखने लगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।